ईरान वजीर इत्तलात और नशरियात आरिफ निजामी ने कहा है कि 11 मई को ना मोबाइल सर्विस बंद होगी और ना ही बिजली जाएगी। बहुत मेहरबानी निजामी साहब, ये तो आपने बड़ा कर्म किया जी आवाम के ऊपर। बल्ले बल्ले बल्ले, लो जी ना मोबाइल फोन बंद होने, ना ही बिजली बंद होनी है। वोट फिर रहने देते हैं, उस दिन फिर वॉशिंग मशीने ना लगा ले यार बिजली उस दिन आनी है, तुम हंस रहे हो, डेढ़ महीना हो गया मेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं लगी। निजामी साहब से कहो कि पाकिस्तान को पाकिस्तान ही लगने दे इलेक्शन वाले दिन भी। यार क्या फायदा ऐसे लगेगा किसी दूसरे मुल्क में इलेक्शन हो रहा है। यार पाकिस्तान ही लगेगा मगर ईद का समा लगेगा। हाय हाय हाय, बिजली आ रही होगी, उधर वॉशिंग मशीने लगी होगी, उधर टीवी पे फिल्में चल रही होगी, उधर ग्राइंडर में गरम मसाला पीसा जा रहा होगा, उधर इस्त्रियां लगी होंगी, चमा चम कपड़े इस्त्री हो रहे होंगे। हाय हाय हाय, इंटरनेट लगा के नौजवान सारे बैठे होंगे फेसबुक खोल के। हाय हाय, छोटे बच्चे गेमें खेल रहे होंगे कंप्यूटर पे। वाह वाह वाह, घरों की टलियां बाज रही होंगी। कई सालों के बाद ऐसा दिन आएगा जिस दिन सारा दिन बूहे खड़काने की बजाय टलियां बजेंगी। वाह 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 वाह। मगर निजामी साहब, अगर सारा दिन घरों में बिजली आई तो फिर वोट डालने कौन जाएगा जी? वोटों का टर्नआउट बहुत कट जाएगा हयूर, लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना। ये बड़े सालों के बाद ऐसा दिन आना है कि सारा दिन बिजली नहीं जानी। ऊपर से हयूर आपने कह दिया कि मोबाइल भी बंद नहीं होगा। उस दिन तो सारा दिन चार्जर लगा के साथ फोन कन्नों के लगा के किसी ने वड्डी फूफो को मॉन्ट्रियल मिलाए होना 7.5 घंटे की कार। पैकेज ही ऐसा ऐसा आ गया निजामी साहब, आपको क्या बताऊं मैं। किसी ने जदे भतीजे को मिलाया होना अदनान असना की हाल है, कामा नवा लग गया ही। शुक्र है अल्लाह का, जब अपना उमरा करन गया तो मेरे लिए दुआ मंगी आई। चाची अपने लिए भी मांग यार दुआ, ए दिमाग च कड़मूसा फिर पाया डाक्टर डाक्टर ही नलायक आने किसी को पता नहीं लगन दिया कड़मूसा होंदिया की कड़मूसा दुआ ठीक होंगे तू दुआ कर बस। ए चाची तेरी दी नानी नु भी कड़मूसा पैदा बस ओनू कवर च लै गई हम भाई। इसे कलो डर दी बेचारी और की ना, तेन पता तबीयत की दलेर ही है, ढिली मठी रही है बेचारी, खून की कदी नहीं। करा करा ब्लड प्रैशर भी चेक कराया, ब्लड प्रैशर भी हो रहा कहो जी आई मैं घर होना तो ब्लड प्रैशर वधिया हुंदा, मैं टुर जाना तो ठीक हो जाता। कभी कभी मैं सोचना मैं ही इन बीमारी बन के लग गए। और तू सुना ठीक है? अच्छा ते आना कदों ही हैं? बड़ा बैलेंस है तू गल कर। मैं वेला ही आज इलेक्शन ने ना मैं कदली पान जाना वोट, मेरा बैलेंस ही नहीं मुकन दिया मैं कदली जाना। इसलिए निजामी साहब, अगर जनाब लोड शेडिंग ना हुई इलेक्शन वाले दिन तो टेलीफोन पे बातें बहुत बढ़ जानी है। इसलिए हयूर लोड शेडिंग जरूर करे ताकि लोग बाहर निकले वोट डालने के लिए। चेयरमैन पीआईए का कहना है कि फंड्स ना मिले तो दिसंबर में पीआईए बंद हो सकती है। वाह जी वाह, चेयरमैन पीआईए साहब क्या अच्छी तड़ी लगाई है आपने। हयूर कौन सी पीआईए बंद होनी है? पहले कौन सा पीआईए लाहौर से टंबकटू, टंबकटू से क्यूबा, क्यूबा से नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से वेस्ट पोल जा रही है? क्यों मुझसे पीआईए का पोल खुलवा रहे हैं आप भाई? जेड़े ढाई को रूट रह गए आपसे, लाहौरो नारोवाल, नारोवाल से कसोवाल, कसोवाल से मलकवाल, वो उठाते जाए आराम से। अब कौन से फंड लेने हैं आपने, बस कर दे। अच्छा यार मुझे वैसे बात सवाल लगता है, ये पीआईए, स्टील मिल और रेलवे, इनके जो भी सरबरा बनते हैं इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि हर महीने दो महीने बाद ये बयान जारी करना कि अगर इतने अरब रुपए का इमदादी पैकेज ना मिला तो ये बंद हो जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देना चाहिए, अब इनको चाहिए अपने पांव पे खुद खड़े हो, ईद तक कम कटो ना, उसके बाद ईद वाले दिन फतराना इकट्ठा करके पीआईए चलाना, हमने नहीं देने फंड। अजय जी, हमजा शहबाज ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत से तीर अंदाजों की सफ़े बिखर गईं और साइकिल के कुत्ते फेल हो गए। ये किसने कहा है? हमजा शहबाज। वाह 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 वाह, हम यशबाज साहब, तीर भी हो गया साइकिल भी हो गया, ठीक है।
मगर जिस चीज का आजकल आपको सियापा पड़ा हुआ उसका आपने ये कर नहीं किया। हाई और बल्ला और ये में रखें कि ये बल्ला हो नहीं जे कल्ला इसकी को फिक्र करे हयूर। आप उन पार्टियों के पीछे पड़े हुए जो बेचारी वेंटिलेटर पे लगी हुई है। मेरा ख्याल है कि हमजा शहबाज साहब अभी खुद छोटे हैं ना, इसलिए इनको छोटी छोटी पार्टियों की जिम्मेदारी दी हुई है। बड़ी पार्टियों के साथ इनके बड़े लबुर्दाजमा है। हमजा शहबाज साहब को इनकी ड्यूटी दी हुई है, ये अपना कैंची उस्तरा तीर सैकल दात्री कई चाकू नेल कटर सुई उई यार भाजना तो किसी को इंतखाबी निशान जनरेटर नहीं मिला, मिला तो राजा साहब ने उसके खिलाफ रेट नहीं की कि ये तो मेरा निशान है। पाकिस्तान में इसको इतना ज्यादा मैंने इंट्रोड्यूस कराया है राजा परवेज अशरफ ने और ये जनरेटर आपने दे दिया किसी और को। जो जनरेटर इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में है ना वो खरीदा हुआ है, रेंट पे नहीं है। अच्छा, फिर नहीं बनता। जापान में टमाटर हेयर स्टाइल की मकबूलियत बढ़ने लगी, हर शख्स बालों का यही अंदाज बनवाना चाहता है। वाकई ये उधर जापान में टमाटर स्टाइल बहुत ज्यादा मशहूर है, वो टमाटर की तरह इधर गोल बाल किए होते हैं उन्होंने, जिस तरह इधर हमारे वो बड़ा मशहूर है ना कमाद स्टाइल। वो कौन सा? स्पाइक्स। अच्छा। कमाद की तरह सीधे खड़े होते हैं, उसको देसी अंदाज में कहते हैं कमाद स्टाइल। एक शताला स्टाइल होता है। हाँ, वो क्या? बाल ऐसे पीछे कंधे के ऊपर लटके होते हैं, जैसे मज के आगे शताला नहीं लटका होता, उसको शताला स्टाइल कहते हैं। एक हरी मिर्च स्टाइल मूछ निकली हुई है, इधर से ऐसे, उसको कहते हैं हरी मिर्च स्टाइल। तनिया स्टाइल देखा तुमने कभी? वो कौन सा? इधर जिसके तीन चार बाल हो ना, कभी इधर को डिग रहे हो कभी इधर को डिग रहे हो, उसे तनिया स्टाइल कहते हैं। एक कद्दू स्टाइल तो खैर बड़ा ही पॉपुलर हो चुका है अब, जैसे लतीफ खोसा साहब का हेयर स्टाइल। नहीं, वैसे कई कद्दू स्टाइल अब नारियल स्टाइल भी बन गए हुए। वाकई हेयर स्टाइल बहुत पॉपुलर हो गए हैं। एक पठा स्टाइल होता है, यानी बताऊं स्टाइल, ये जो राजा परवेज अशरफ साहब कराते हैं, बहुत से बाल काले कर ले तो उसको पठा स्टाइल कहते हैं। एक बड़ा मैलूम हेयर स्टाइल है, उसको कचूमर स्टाइल कहते हैं। अच्छा। उसका तो तुम्हें पता ही होगा। नहीं, मुझे नहीं पता। आ, वैसे बंदा बेगम से पैंटी का के बाद में शीशा तो नहीं ना देखता। कचूमर स्टाइल वो होता है जो बेगम ऐसे बालों से पकड़ के तो स्टाइल बनाए, बाद में देखो जरा शीशे में कचूमर स्टाइल बना। ये मुझे तुम्हारे मेकअप मैन ने बताया था। मैंने कहा यार बड़ा स्टाइल बनाते हो जनाब साहब। का कहता जी मैं नहीं बनाता, घर से बनवा के आते। कहता जनाब देख ले जो आजकल पुराने शो चल रहे हैं उसमें उनका स्टाइल कैसा। एक शाबाश स्टाइल भी होता है जो मेरा है, शाबाश। अपने लिए शाबाश। छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार ये कचूमर स्टाइल बनवाने में दर्द तो बहुत होती हो।